स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की ट्रिक है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होते हैं और उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है उसको याद करने की एक ट्रिक है। तो ट्रिक को समझने से पहले हमें ये बात जाननी होगी कि कैनिज़ारो रिएक्शन कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो दे सकते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं जिनके अंदर अल्फा एच नहीं होता। तो यहाँ पर मेन पॉइंट लिख लीजिए, मेन पॉइंट ऐसे एल्डिहाइड 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 विद नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ऐसे एल्डिहाइड जो है कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक है अली रे कैनिज़ारो। कैनिज़ारो जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो उसे देखकर कोई व्यक्ति कहता है अली रे कैनिज़ारो। तो यहाँ आपको याद करना है अली से एल्डिहाइड विथ नो अल्फा एच, उसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं होना चाहिए। कैनी से आपको याद करना है कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच 50%। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लीजिए आर सी ओ एच प्लस कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच हो जाएगा आपका। ये रिएक्शन करने के बाद एक अल्कोहल बनाएगा और दूसरा जो होगा सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल चाहिए इसके। तो फर्स्ट यहाँ पर एक आर सी ओ ओ एन ए सॉल्ट बना देगा प्लस दूसरा यहाँ से आपका क्या बन जाएगा अल्कोहल आर सी एच टू ओ एच। तो इसको याद करने की ट्रिक है अली रे कैनिज़ारो। जो रिएक्शन का नाम है उसी रिएक्शन के नाम से ही हम उसके रिएक्टेंट को याद कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह की और ट्रिक्स के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी कोई इस तरह की ट्रिक जाननी है या आपको किसी और टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। Thank you.